हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं जिला टोबा टेकसिंग के एक तारीखी कस्बे चक 424 में, और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहां का सेंट हेनरीज रोमन कैथोलिक चर्च मॉन्टगोमरी वाला। तो आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, चर्च के फसाद का ताल्लुक ना सिर्फ चर्च की खूबसूरती के साथ है बल्कि उसका ताल्लुक चर्च के थियोलॉजिकल अरेंजमेंट के साथ भी है। अगर आप इसके एंट्रेंस डोर पे वाज़े तौर पर देखें तो तीन रोमन आर्चेस बनाई गई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके साथ एक और छोटा एंट्रेंस डोर है जिसके साथ भी तीन आर्चेस बनाई गई हैं, रोमन आर्चेस हैं, और ये ट्रिनिटी को जाहिर करती हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च का इस मौजूदा बिल्डिंग का संग बुनियाद 15 नवंबर 1986 में रखा गया, और बाकी हिस्टोरिकल चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में रखी गई। इसकी ईस्टर्न साइड पे इसका फसाद है जबकि इसकी वेस्टर्न साइड पे इसकी खूबसूरत ऑल्टर है। और अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया गया, ये नॉन कॉसी फॉर्म में बनाया गया चर्च है। इसकी ऑल्टर की राइट साइड पर देखें तो बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसके अंदर बेल इरेक्ट की गई है, और इस टावर के फोर कॉर्नर्स हैं, और इन फोर कॉर्नर्स में आप वाज़े तौर पर देखें जो कि अनाजिले अरबा को जाहिर करती है, और इनके इसके अंदर और वाज़े तौर पर आप देखें तो तीन आर्चेस भी दिखाई देती हैं, फोर कॉर्नर्स में थ्री आर्चेस जो कि ट्रिनिटी आर्चेस हैं। और अगर आप इसकी वेस्टर्न साइड यानी ऑल्टर के ऊपर देखें तो बहुत ही खूबसूरत डॉम है जबकि एक उसके साथ और डॉम है। इसके स्टेप वाइज तीन डॉम्स बनाए गए जो कि ट्रिनिटी डॉम्स हैं। इसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जायज़ा लें तो ये पूरे तौर पर रेड ब्रिक में बनाया गया। रेड ब्रिक के साथ साथ इसमें कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ और मेटल का भी इस्तेमाल किया गया। ये खूबसूरत चर्च उन बाकी चर्चेस की तरह आज भी अपनी तारीख का गवाह है जो उन ख़ास मसीही विलेजेस में से, जिनमें से ईसा नगरी और फ्रांसिस टाउन और उसके अलावा मार्टिनपुर भी, जिनमें हिस्टोरिकल चर्चेस बनाए गए मसीही आबादी के लिए, जो इतनी पुरानी तारीख के बावजूद भी मौजूदा दौर में ना सिर्फ इस मुल्क में सर्व कर रहे हैं बल्कि अपनी इबादत को भी उसी पूरे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में जारी रखे हुए हैं। मेरा नाम अबियारिस जमाल है और मैं बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री 6th semester, और मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन चक 424 के एक स्कूल क्रिश्चियन मॉडल प्राइमरी स्कूल से हासिल की, और वो मेरी दादो का स्कूल था। मेरी दादो ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो खुद भी क्रिश्चियन थी और हम लोग कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारे गांव के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है, खिदमत की हैं, और उन्होंने फ्री में एजुकेशन भी दिया बच्चों को। और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का
पाकिस्तान को तामीर करने में बहुत अहम करदार है। उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए हैं और वो इसी तरह आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पैरिश प्रीस्ट्स ने और हमारे जितने भी खादिम गुजरे हैं जिन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए अपनी जान के नजराने तक देने हैं और इस पाकिस्तान को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपने आप को अपनी जान का नजराना देना और अपने आप को हमेशा आगे रखना है। मेरा नाम मेरी कार्मिन है और मैं FC कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। जब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ के रोल की पाकिस्तान में, तो तारीख इस बात की गवाह है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स थे इन अर्ली डेज, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो थे वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो है वो बनाए थे, जैसे कि फॉर्मिन क्रिश्चियन कॉलेज, किनेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, UCH, और इस तरह हम देख सकते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में। इवन टुडे हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एक मास ऑडियंस देख रही है, तो मैं पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करना चाहती हूँ लोगों में कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल करना चाहिए और तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश रहना चाहिए। जब हम अपने गांव की बात करते हैं जग 424 की, तो यहाँ से बहुत सारे जो हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लेक्चरर्स जो हैं वो निकले हैं, और इवन हमारे जो यंगस्टर्स हैं हम गाँव के, वो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो बैरून मुल्क जा के भी तालीम हासिल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शिराज सरफराज है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं आज आपको चर्च के रोल के बारे में बताने लगा हूँ, जो कि एक रिलीजियस रिचुअल्स के अलावा है। चर्च जो है ये बिला किसी मज़हब लासानी तफरीक के हर एक की खिदमत कर रहा है। मतलब हमारे गांव में सिस्टर अकेले जो थी, उन्होंने यहाँ पर मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमत की, और हत्ता कि वो कभी उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये कोई क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, किसी फ़िरके से, किसी डिनोमिनेशन से हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत की। और इसके अलावा हमारे जो चर्च है, इसने स्कूल, हॉस्टल बनाए हुए हैं, वो बिला तफरीक, बिला किसी डिनोमिनेशन की तफरीक के खिदमत कर रहे हैं लोगों की। Everyone, I'm Albana Suhail. I belong to St. Andrew's Church 424. My grandfather was a priest, so I'm a born Catholic, and I'm very grateful to Team Discover Pakistan that they gave us this privilege where our community can come forward and connect with the world and let everyone know that how Christian community plays an important role in the progression Pakistan. So I'm very thankful to this channel where we can come and we can like bring our issues and we can tell about our success and our businesses and our education and about our people. मैं फादर साइमन खुर्शीद कैथलिक डायसिस ऑफ फैसलाबाद का प्रीस्ट हूँ। मुझे 27 साल हो गए हैं कहानत के ओहदे पर सरफराज हुए, और रिसेंटली मैंने 25 साल जुबली जो है वो सेलिब्रेट की है। मेरी खिदमत में मैंने कम से कम 27 चर्च, स्कूल्स और कैटेगरीस्ट हाउस तमीर किए। हम सोशल वर्क पर भी उतना ही यकीन रखते हैं। हमारी सोच यह है कि ज़िंदगी के दोनों पहिए मुतहरक रहने चाहिए, तभी कलीसिया ज़्यादा तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। इसलिए हम ज़्यादातर गरीब, पस्त और रद्द किए हुए लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके राइट्स जो हैं वो दिलाए जाएँ। हम
ईमान रखते हैं कि इंटरफेथ हार्मनी के ज़रिए और भी कलीसिया को ज़्यादा फ़रोग दिया जा सकता है। मैं 6 माह से सेंट हेनरी कैथलिक चर्च में अपॉइंटेड हुआ हूँ और ये मेरी 5वीं अपॉइंटमेंट है डायसिस में। यहाँ तकरीबन 600 कैथलिक ख़ानदान हैं जिनकी बागडोर मेरे हाथों में सौंपी गई है ताकि मैं इनकी समाजी, मुआशी और रूहानी तरक्की को फ़रोग दे सकूँ। मैंने आते ही महसूस किया है कि लोगों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तलीम बेसिक चाबी है। सेंट हेनरी कैथलिक चर्च के साथ डिस्पेंसरी मुंसलिक है, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है, लड़कियों के लिए हाई स्कूल तमीर किया गया है। इन स्कूलों में बिला तफरीक मज़हबों की आड़ रखे हुए सबको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है और लोगों को तालीम और उनको राह रास्त पर लाने के लिए उनको कन्विंस किया जा रहा है कि तालीम ही एक बेसिक चाबी है जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं। सेंट हेनरी पैरिश के वजूद में सबसे पहला प्रीस्ट रेवरेंड फादर प्रूडेंट इस यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने इस गांव की सूरत हाल को देखते हुए बेशुमार मंसूबे शुरू किए। इस लिहाज से कैथलिक प्रीस्ट ने आते ही एजुकेशन और जो सोशल प्रॉब्लम लोगों के थे उनके मसलों के हल के लिए कोशिश जो है अपनी जारी और सारी रखे हुए है। आज भी ये कोशिश जारी और सारी है, इसलिए जब जब भी माशी हालात बदलते हैं, मुश्किलात में लोग आते हैं तो उनके लिए सोच विचार और मनसूबा बंदी की जाती है ताकि लोगों की अच्छी तरीके से आबियारी हो। मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि डिस्कवर पाकिस्तान टीवी ने ये बेड़ा उठाया हुआ है ताकि चर्चेस जो खुदा का घर और उसकी मौजूदगी का निशान है इस छोटी सी कावश के साथ दुनिया भर में इनको दिखाया जाए। अगर ये बेड़ा जो डिस्कवर पाकिस्तान ने उठाया हुआ है जारी रहता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा होगा कि हम दुनिया भर में दिखा पाएंगे कि पाकिस्तान भी इस मजहबी हो, मुआशी हो, सोशली तौर पर हो, ये आगे बढ़ सकता है। मैं मौजूद हूं इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का वो हिस्सा होता है जहां पे खड़े होकर आप पूरे चर्च को देख सकते हैं। जैसे कि मेरी पिछली जानिब इस चर्च की बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है। जैसे ही हम इस खूबसूरत चर्च की ईस्टर्न फेस से इसमें दाखिल होते हैं तो रोमन कैथलिक ट्रेडिशन के मुताबिक इसके डोर्स के साथ होली वाटर के बेसन्स रखे गए हैं। जैसे ही लोग चर्च में दाखिल होते हैं अपने आप को मसा करके इबादत के लिए तैयार करते हैं और इसके फेस पे दो एंट्रेंसेस हैं। एक छोटी एंट्रेंस जो है वो ख़वातीन के लिए और जो मेन एंट्रेंस उसमें से कोई भी दाखिल हो सकता है और ये एंट्रेंसेस जो हैं ये रोमन आर्चेस में बनाई गई हैं। सेंट्रल आर्च सबसे बड़ी है, उसके बाद दो आर्चेस उससे कदरे छोटी हैं। जैसे ही आप चर्च में दाखिल होते हैं इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इस पे लोग कारपेट पर बैठकर इबादत करते हैं और इसकी नेव भी कारपेट से ही जुदा की गई है अलग रंग से। और इस चर्च के पीछे आप देखें कि बेंचेस भी पड़े हुए हैं, जो यहाँ की असेंबली के बुज़ुर्ग लोग हैं वो पीछे बैठकर इबादत करते हैं, बल्कि बाकी लोग बैठकर कारपेट पर इबादत करते हैं। लगभग 500 लोग इस चर्च में बैठकर एक ही वक्त में इबादत कर सकते हैं। अगर आप इसके खूबसूरत कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इनसाइड आप इसमें वाज़े तौर पर रोमन आर्चेस का अंग देख सकते हैं जो कि सर्कुलर आर्च हैं राउंड फॉर्म में। उनकी बिगेनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को वाज़े तौर पे देख सकते हैं और इसमें क्लाइमेक्स को भी देख सकते हैं
जिसका थियोलॉजिकल मीनिंग ये है कि इंसान खाक से पैदा हुआ है और अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहल तय करने के बाद वो क्लाइमेक्स पे जाता है, उसके बाद वो दोबारा खाक में लौट जाता है। और उसके अलावा अगर आप इन आर्चेस की तादाद को देखें तो ये आर्चेस 4 हैं, जो कि 4 गॉस्पल्स या अनाजेले अरबा के पूरे पैगाम को जाहिर करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी दूसरी साइड पे देखें तो उसमें 4 पिलर्स भी मौजूद हैं। ये 4 पिलर्स भी मसीही ईमान के या अनाजेले अरबा के पिलर्स हैं जो 4 गॉस्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर अगर आप देखें तो वेंटिलेटर्स हैं, इसमें ख़ास 2 कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वाइट और ग्रीन, और उसके अलावा ये क्रॉस की फॉर्म को भी जाहिर करते हैं। इनमें भी जो आर्चेस हैं ये राउंड आर्चेस हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाई गई, रोमन आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। इसके अलावा अगर आप इसके ओवरऑल एम्बियंस को देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और ब्राइटर है। कहा जाता है कि जब इस चर्च की तामीर की गई तो जैसा ये आउटसाइड से है इनसाइड से भी ऐसा ही था, नॉन प्लास्टर्ड था और उसकी सतह काफ़ी रफ थी। चर्चेज़ में इनसाइड में साउंड को कंट्रोल करने के लिए उसको प्लास्टर नहीं किया जाता, जैसा कि होली रोजरी चर्च हमने देखा फैसलाबाद में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसकी छत भी रफ़ है, उसकी सरफेस बहुत रफ़ है जिससे एको प्रोड्यूस नहीं होगी। इस चर्च में इसको बाद में प्लास्टर किया गया और इसका जो वो साउंड का जो ख़ास निज़ाम था वो थोड़ा मुतासर हुआ, लेकिन अभी मौजूदा दौर में इसमें साउंड सिस्टम लगाया गया है जो नए अंदाज का है और सब लोग बैठकर इस खूबसूरत और नए अंदाज पर बनाए गए चर्च में इबादत करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूं इस खूबसूरत चर्च की क्रॉसिंग में। क्रॉसिंग चर्च का वो हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होकर आप पूरे चर्च को देख सकते हैं। जैसे कि मेरी पिछली जानिब इस चर्च की बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है, मेरी दाहिनी जानिब इस चर्च का एक राइट आर्म है और लेफ्ट साइड पे एक और आर्म है। इस जगह पे खड़े होकर हम पूरे चर्च को देख सकते हैं और अगर आप वाजे तौर पर देखिए मेरी राइट साइड पर इसके लिटर्जिकल अरेंजमेंट के मुताबिक एक पुलपिट भी है और उसके बिल्कुल साथ ही होली कम्युनियन के लवाजमात रखने के लिए एक ख़ास बॉक्स बनाया गया है। ये चर्च दूसरे चर्चेस की आर्किटेक्चरल अरेंजमेंट के मुताबिक तो नहीं बनाया गया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया गया है, ना तो ये क्रॉसिंग फॉर्म में है और ना ही बाकी चर्चेस की तरह इसमें आर्म्स हैं। और जैसा कि हमने देखा होली रोजरी चर्च, उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो भी रेक्टेंगुलर है, तो ये ज़्यादातर उसके पैटर्न को जाहिर करता है। तो लोग एंट्रेंस के लिए इन दोनों आर्म्स का भी सहारा लेते हैं और नेव से भी दाखिल होते हैं और बैठकर इस खूबसूरत चर्च में खुदा की इबादत करते हैं। अभी हम मौजूद हैं इस खूबसूरत चर्च की दिलकश आल्टर में। आप मेरे साथ वाजे तौर पर देख सकते हैं कि इसमें मौजूद खूबसूरत कलर इसके लेंट सीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं। लेंट जो कि मसीही रोज़ों के अयाम होते हैं, जो कि पर्पल लिटर्जिकल कलर से जाहिर होते हैं। आप देखिए क्रॉस के ऊपर एक ख़ास स्टोल रखा गया है और कांटों का ताज भी रखा गया है। ये जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन को जाहिर करते हैं, उनके दुखों के अयाम को जाहिर करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी ऑल्टर पे नज़र दौड़ाएं तो ये सर्कुलर ऑल्टर बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर है जिसके बिल्कुल ऊपर एक डॉम बनाया गया है। ये डॉम बहुत ही खूबसूरत है, अगर बाहर से इसको देखें तो इसके 8 कॉर्नर्स दिखाई देते हैं और हर कॉर्नर के अंदर 3-3 आर्चेस बनाई गई हैं। 8 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में न्यू लाइफ का डिजिट है। उसके अलावा अगर आप इसके लाइट के अरेंजमेंट को देखें तो इस जो नेचुरल लाइट सोर्स है वो ऑल्टर के एम्बियंस को और भी खूबसूरत बनाता है। प्रीस्ट और उसके मददगार मिलकर यहाँ के इबादत के इंतज़ाम को चलाते हैं। और एक ख़ास चीज़ आपको और दिखाता चलूँ जो कि आमतौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में दिखाई देता है,
ऑल्टर के बिल्कुल पीछे वो क्रूसिफिक्स के मंजर को दिखाते हैं जो कि क्रिश्चियनिटी की एसेंस है। मेरा नाम सिस्टर परवीन डोमिनिक है और डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ माल्टा से तलक रखती हूँ और इस कंपाउंड में मेरे साथ हम चार सिस्टर्स हैं और हॉस्टल बॉयज जो हमारे यहाँ ऑर्फन बच्चों के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ जगह से बच्चे आते हैं कि इधर हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं और हमारे पास बच्चे जो आते हैं वो 24 आवर्स सिस्टर्स जो हैं वो उनकी केयर करती हैं। जब वो छुट्टियों के दौरान आते हैं तो फिर अपने रिलेटिव के साथ या पेरेंट्स के साथ अपने घरों को वापस जाते हैं लेकिन 24 आवर्स इधर हम सिस्टर जो हैं उनकी केयर करती हैं। हमारे पास इसमें गर्ल्स हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉब्लम तो नहीं उनकी लेकिन ये कि वो बच्चों की फ़ीस यहाँ दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं लेकिन हम मिल के उनके लिए जो भी हमसे हम तावन के दूसरों के तावन के थ्रू और सिस्टर्स के तावन के थ्रू उनके एजुकेशन में उनके बढ़ चढ़ कर उनको अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए हम सिस्टर जो हैं उनके लिए काम करती हैं। और इसके अलावा हमारे पास डिस्पेंसरी हैं जो हम चैरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिसमें मेडिसन बच्चों को लोगों को फ्री दी जाती है। इसमें हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि ऐसे जब सिस्टर्स अकेले हमारे माल्टा से यहाँ पे आए थे उस वक्त उनका ये मेन जो प्लान था कि वो हमारे गांव के लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपने खिदमात का वो जो हिस्सा डालना चाहते थे एजुकेशन के अलावा उनके मर्ज़ी के मुताबिक उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने डिस्पेंसरी का इंतज़ाम किया जिसमें बच्चों को औरतों को बेशक वो बाहर डेरे से आते हैं मुस्लिम बहन भाई आते हैं या क्रिश्चियन हैं या गरीब हैं अमीर हैं इसमें हम कोई डिफरेंट नहीं करते लेकिन उनको बराबर के मेडिसिन दी जाती हैं बराबर के उनके एजुकेशन पर तवज्जो दी जाती हैं। जो बच्चे जो वालदैन नहीं कर सकते उनके लिए फिर हम खुद उनके एजुकेशन के लिए ऑफर करते हैं और इस तरह से हम मिलके अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ और क्रिश्चियन दोनों मिलके हम ताउन के साथ हमारा स्कूल जो है वो चल रहा है। तो व्यूअर्स ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम सेंट हेनरीज रोमन कैथोलिक चर्च 424 मोंटगोमरी वाला पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के आर्किटेक्चर और इसकी खिदमात के हवाले से काफी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए खुदा हाफिज। Keep watching Discover Pakistan, सबसे प्यारा पाकिस्तान।